साइबर क्राइम यूपी ही नहीं पूरे देश और विश्व के लिए खतरा है। यूपी में साइबर अपराध के 6,500 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इंटरनेट और मोबाइल का जिस तरह से यूज हो रहा है, इसके लिए राजधानी लखनऊ में साइबर ट्रेनिंग लैब का शुभारंभ किया गया है, जिसमें सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए निर्भया का फंड के तहत 4.5 करोड़ का फंड मिला है। इस सब विषय पर उत्तर प्रदेश के DGP OP सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा ने। अपराध को लेकर लगातार तमाम बढ़ रहे हैं अपराध, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया OP सिंह ने एक ट्रेनिंग लैब का उद्घाटन किया है, और आइए जानते हैं क्या कुछ उस ट्रेनिंग लैब से फायदे होंगे। सर, ये हमने जो ट्रेनिंग लैब बनाया है लोगों की ट्रेनिंग के लिए, पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए हमने बनाया है, और इसमें हमने जुडिशियल ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स को भी हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हमने बनाया। हमारा टारगेट है कि आने वाले 2 वर्षों में हम 1200 से अधिक जुडिशियल ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स को अवेयरनेस प्रोग्राम देंगे, और साथ ही साथ 1500 और 950 2400 के लगभग हम पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे, उनको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएंगे। ये हम साइबर क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन के अंतर्गत किया जा रहा है। आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा उपयोग होगा, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी भी है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टुडे के साथ।